इस क्वेश्चन में हमें रेशनल एक्सप्रेशन दिया गया है और वो रेशनल एक्सप्रेशन प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है कंपेयर टू द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। किया क्या जाए, ये नॉन फैक्टराइजेबल दोनों ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं, इनके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएंगे, ये लीनियर फैक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, जो 2x है ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो पहले हम लोग सब्सिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें, है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू t हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे, इसका मतलब 2x dx किसके इक्वल हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा dt। इसका मतलब जो ये 2x dx है इट बिकम dt, और नीचे क्या हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस 1 क्योंकि x स्क्वायर को t एज्यूम किया है, और t प्लस 3 हो गया। अब जो ये आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन दिख रहा है 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3, इसको दो सिंपलर फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज़ द पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, पार्शली ब्रेक कर सकते हैं, से b अपॉन t प्लस 3। a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकालते थे, a के नीचे t प्लस 1 है, 0 प्लेस करिए, t की वैल्यू माइनस 1 आएगी, हाइट करिए इधर t प्लस 1 और t की वैल्यू माइनस 1 रख दीजिए, तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1 प्लस 3, दैट इज 1/2। इसी तरह से b की वैल्यू निकालिए, b के नीचे t प्लस 3 है, t प्लस 3 को 0 प्लेस करिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ t इज माइनस 3, यहाँ से t प्लस 3 हाइट करिए, t की वैल्यू माइनस 3 रख दीजिए, तो 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1/2। क्या करें, अब वापस रिप्लेस करें, आगे आप प्रोसीड करिएगा नीचे से, हम ऊपर आके कर दे रहे हैं ना, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू माइनस 1/2 हो गया, ठीक है, ये हटा देते हैं। अब क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना इन दोनों इंडिविजुअल रेशनल फंक्शन को या सिंपलर रेशनल फंक्शंस को। 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 1, ये माइनस 1/2 कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन लीनियर फैक्टर क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस 1 माइनस हाफ, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस 3 और प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट सी, लेकिन ये आंसर तो हो नहीं सकता है, ठीक है, टी डमी वेरिएबल है, कोई यू एज्यूम कर सकता है, कोई वाई एज्यूम कर सकता है, कोई वी एज्यूम कर सकता है, तो पहले दो टास्क बच गया, एक डमी वेरिएबल को रिमूव करना और दूसरा लॉग की प्रॉपर्टी लगा के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, है ना, सिक्वेंसली आप किसी को कर लीजिए। तो देखिए हाफ कॉमन कर लेते हैं हम लोग, कहाँ से, इन दोनों टर्म से हाफ कॉमन करते हैं और यहाँ ब्रैकेट प्लेस करके नेक्स्ट स्टेप में आप लिखिएगा, हाफ चला आया बाहर, है ना। अब लॉग एम माइनस लॉग एन है, क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, नेक्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी, दैट इज टी प्लस 3, और यहाँ से लॉग एम माइनस लॉग प्रॉपर्टी हटा दी, लगा दी, तो ये चीज़ इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, प्लस क्या हो गया आपका सी। दूसरा टास्क जो आखिरी बचा है, टी डमी वेरिएबल को रिमूव करना, तो टी क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो आप क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर टी की प्लेस पे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे आप, है ना, एक्स स्क्वायर। और आखिरी काम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, है ना, अगर वो निगेटिव होने का चांस होता तब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू रखते, तो सिंपल ब्रैकेट लगा देंगे, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।